गद्दा कैंडो सारे, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं वहीं अपने दूसरे घर जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आज भैया और भाभी की एनिवर्सरी है। आंखें देख कैसे खुली हुई है। अभी बोलना लेके इनका रहता है ना। स्पार्कल प्रो से स्पार्कलिंग वाटर है। नहीं, प्रेस है। चलो यार रहने दो, प्रेस है। जो तीन लोग इन्वॉल्व है ना, वो मुझे पता है, इतने आसान नहीं से तो प्रेस है। अरे नहीं, ये तो ये मेमोरी कार्ड। ओ क्या देख रहे हो? अब खोलना नहीं, अब गैस में अभी नहीं खोलना। तीन ऑप्शन है, रिंग, चेन और कुछ नहीं। और कुछ नहीं कह रही है तो रिंग ही है। आप बताओ भाभी जी, दिल है इसमें? दिल है। अरे देखो क्या है, आपका गैस फिर भी क्लोज था। घर में लड्डू गोपाल होने चाहिए। तू बड़े सुंदर है। इसमें क्या है? बड़ी चीज है ये लड़की। ओ, दो रिंग्स है इसमें। वाओ, ओ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। आज है अगला दिन और टाइम हो रहा है शाम के 5। सुबह से लेके अभी तक मैंने सिर्फ अपना काम ही किया, थोड़ी स्टडी की, थोड़ा वीकेंड के बारे में, हमने थोड़ा रीब्रांडिंग का सोच रहे हैं उसके बारे में थोड़ा प्लान किया। जल्दी आपको एक अपडेट देंगे उस चैनल के बारे में भी। जैसे कि इस चैनल पे हमारी लाइक फीमेल ऑडियंस भी 35% के आसपास है। लाइक जो कंटेंट बनेगा वीकेंड के ऊपर भी, जो हमारा दूसरा चैनल के ऊपर भी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको पर्सपेक्टिव में रख के बनेगा। कुछ उसकी रीब्रांडिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक और दो मैंने हटाया क्यों है यहाँ से। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, मैं अपनी रूटीन फॉलो करूंगा 90 दिन के लिए, और अगर मेरे से कोई ब्रेक आ जाती है तो मैं फिर दोबारा एक से शुरू करूंगा। बस जब आपको बोला, बस उसके अगले दिन ही ब्रेक आ गई, इसलिए मैंने एक और दो हटा दिया है। अब मैंने आज से दोबारा शुरू किया है। अब मैं एक आज दोबारा लिखूंगा, फिर उसके ऊपर क्रॉस मारूंगा। अभी सिर्फ एक और दो लिखा ही है, एक के ऊपर क्रॉस नहीं मारा, क्योंकि मेरा जो 90 दिन के चैलेंज का जो रूटीन है वो है डेली आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात को मेडिटेशन करना। सुबह वाली कर लिया, रात को वाली अभी की नहीं। रात को वाली जब कर लूंगा तब एक के ऊपर क्रॉस मारूंगा। हमें इकट्ठे मिलकर ही सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। अभी मैं मास्क पहन के ऊपर आया हूँ, क्योंकि अब मैं सीढ़ियों से भी अगर आ रहा हूँ तो मैं मास्क पहन के आ रहा हूँ। जो ये हमारे पड़ोसियों के बोर्ड लगा है बाहर, वो इसलिए लगा है, उनके ऑफिस में किसी का पॉजिटिव टेस्ट आया था, तो वो जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको घर में सबको क्वारंटाइन किया गया है, इसीलिए यहाँ पे बोर्ड लगा है। अभी इनकी रिपोर्ट आई नहीं है। तो ये 100 तब जाना शुरू हो गया अपने अपने काम पे। बस एक ही सलूशन है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। अभी हम जा रहे हैं, वैसे जाने का तो कहीं और का प्लान था। हमने मनाली का पास ले भी लिया था, कि पूरा हमारा फाइनल था कि हमने आज मनाली के लिए निकलना है, लेकिन फिर हमें पता चला कि वहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं खुले हुए। मेरा वहाँ पे एक दोस्त है, उससे भी पूछा तो उसने बोला कि वो होटल अरेंज करवा देगा, लेकिन मैं होटल में रहना नहीं चाहता, मुझे चाहिए कोई दूर पहाड़ पे कोई अलग सा कोई होम स्टे वगैरह हो, मुझे उस फील में रहना था, लाइक माई टाइप। इसलिए हम मनाली नहीं गए, लेकिन अभी हम जा रहे हैं, हमें एक नया पॉइंट, मतलब कि हमने ढूंढना है, होगा तो काफी देर से हमने नया ढूंढा है, अब वो हमारी फेवरेट जगह बन चुकी है। अभी तो एक बार ही गए हैं, लेकिन एक बार में ही वो फेवरेट जगह बन चुकी है। हम क्या करते हैं, घर से निकलते हैं सीधा अपना इसी रोड पे, जो अपना ये शिमला वाली हाईवे पे है, वहां पे जाके बैठ जाते हैं, अपना एक टाइम स्पेंड करते हैं। और साथ में है सरी के फेवरेट, हालांकि मेरे इतने फेवरेट नहीं है, सरी के फेवरेट बिंगोस मुझे जबरदस्ती खाने पड़ते हैं। ये देखो, दुख होता है ये लगाते हैं, क्योंकि इसमें से पैसे कटते हैं। जैसे मेरी मजबूरी है सरी के हाथ का खाना खाना, वैसे मजबूरी है टोल टैक्स देना। आगे बहुत ही खतरनाक मौसम हुआ है, बिल्कुल पहाड़ नहीं दिख रहे। जो ये रोड है, अगेन मैं दोबारा बोलता हूँ, इट्स नॉट अबाउट की सिर्फ रोड, इट्स अबाउट प्यार की रोड। तुम किसके साथ आ रहे हो, वो यादें। Baby, cuando te digo me siento bien, qué feliz yo de ser tu mujer. Me gusta esta versión. Lo que yo soy. Amar y valía, amar y favorite.
प्यारी सी डोर यारो जी भर के जीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो कुत्ते हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझे कब लाएगा मेरा फेवरेट सॉन्ग है मुझे बस इतना सही आता है बस यार मेरी आवाज ना मेरे को बस जिंदगी से है काश भगवान ने मेरी थोड़ी सी गाने वाली आवाज दी होती ओ अब आगे रोड देखो क्या नजारा है रोड हमें हमेशा अमेज करती है हमेशा हमेशा बहुत अच्छी लगती है यार बहुत अच्छी हमारी फेवरेट रोड है अगर मेरे और शरीर में जैसे कि फॉर एग्जांपल लड़ाई हुई है या कुछ हुआ है ना या फिर कुछ ऐसे ही हमने कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है बस ऐसे ही धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं इस रोड पे आ जाते हैं ना एंड देन वापस चले जाते हैं ये हमारी फेवरेट जगह है डिस्कशन करने के लिए घर में हम कोई डिस्कशन नहीं करते या तो वॉशरूम में डिस्कस करते हैं अपने आप से वाह सामने मौसम देख पूरा बहुत ही सुंदर मौसम होने वाला है और जो हमारी फेवरेट प्लेस आजकल बन चुकी है वो है ये प्लेस हमारे घर से बहुत ज़्यादा पास है इसमें सबसे मेन बात पता है क्या है कि यहाँ पे ना बैठने के लिए जगह है तुम यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करो अपना घर से खाने पीने के लिए लेके आओ और यहाँ से तुम्हें पूरा वैली का व्यू मिलता है और वो उधर हमारा डैम है पिछली बार जब आए थे मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी डाली थी यहाँ पे ना तुम्हें वो भी मिलते हैं मोर हाँ, वो हाँ, आवाज आ रही है देखो मोरों की आवाज आती है शाम को ऊपर से बंदर वगैरह नहीं ऋषि के बहुत सारे साथी आ जाते हैं ऊपर से अभी जैसे उन्हें पहुंच रहे ऋषि आ गया ऋषि भाई आ गया सारे चलो लेट्स गो डाउन आपको मैं अभी ना सरी की लव अट्रैक्शन की स्टोरी बताता हूँ जब हम यहाँ पे आए ना यहाँ पे ना दो गाड़ियाँ खड़ी थी मैंने इसको बोला मैं कहा यार ये तो यहाँ पे तो काफी लोग खड़े हैं कहती देखियो ये अभी जाएंगे वही बात हुई हमने जस्ट गाड़ी से निकले हैं और वहाँ से वो लोग इस जगह पे बैठ के उस तरफ मुंह करके अपना बातें मारो नाउ जस्ट इमेजिन कितना मजा आता आएगा बस ऐसे ही यहाँ पे आओ बैठो अपनी बातें करो मौसम का आनंद लो मोर आजा मोर 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 आज हम कैमरा लेके आए तो आया नहीं लास्ट टाइम हम आए थे यहाँ बैठा था बिल्कुल भाई यहाँ पे यहाँ से वो उड़ा वो उस पेड़ पे जाके बैठ गया था अब बोल ये कैमरा बंद था अभी इसने मुझे एक बात बताई बता वो बात बता कैमरे पे जब 1 मिलियन हो जाएंगे ना तब बताऊंगी मैं बता दूं बता देता हूँ बेइज्जती हो जाएगी अरे इसमें इट्स अ नेचुरल थिंग कोई इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है हाँ मेरा बहुत मन कर रहा है बताने का नहीं भाई जब तक इजाजत नहीं मिलती तब तक नहीं मैं बता सकता आप नीचे कमेंट करो कि सरी प्लीज ऋषि भाई को इजाजत दे दो बात बताने के लिए 100 कमेंट यस का आ गया तो आप बताएंगे हैं कहती हाँ ठीक है 100 कमेंट यस के होने चाहिए है ना फिर आप वो बात बताएंगे आप भी अगर चंडीगढ़ के आसपास हो ना यहाँ पे आओ जो इससे आगे तिपरा गांव है यहाँ से सीधा जाके आगे पुलिस का चेक पॉइंट पहले चेक पॉइंट से ही यू मारोगे ये वाला पॉइंट है जो ये पहाड़ है इसका जो दूसरा वर्जन है ना यानी कि जो दूसरा है वो चेक पॉइंट के बिल्कुल पास ही है यानी कि चेक पॉइंट से यू मार के बिल्कुल यहीं पे आना है आपको और ये नज़ारा आपका apagando los focos sin ropita como te apetece vamos a hacerlo por ahí un par de veces ya me conocí y tú sabes que yo quiero contigo esa vaina de la अभी पियेंगे मैंगो शेक लेकिन जब भी मैं मैंगो शेक पीता हूँ या फिर आम खाता हूँ ना मुझे पता है किसकी याद आती है मेरे दादा दादी की क्योंकि वो दोनों ये टी शर्ट के नीचे बनियान कौन पहनता है पहले तो मुझे ये बताओ आया बड़ा फैशन चैनल चलाने वाला तू ऋषि मेरे दादा दादी इतने फैन थे ना मैंगोस के पेटियां आती थी घर पे मेरे दादा दादी ने मेरी यूट्यूब की लाइफ नहीं देखी है ना लेकिन मेरे दादा दादी अगर मेरी यूट्यूब वाली लाइफ देखते ना सच में बहुत खुश होते बहुत ज्यादा खुश होते मेरे वो बोले सारे स्ट्रगल वाले दिन देखे हैं लेकिन जब वो चेंज आना शुरू हुआ मेरी लाइफ में लाइक थोड़ी सक्सेस मिलनी शुरू हुई तब वो दादाजी थे नहीं देखने के लिए दादाजी मतलब मुझे कभी कभी मैं ऐसे कुर्सी पे बैठा हूँ ना जैसे ऐसे करके बैठा हूँ तो मैं ऐसे प्ले बटन की तरफ देख रहा हूँ ना तो मुझे हाँ कभी कभी ऐसे ना हो दादाजी ने कभी ऐसे देखा आज का मैंगो शेक दादा दादी के नाम
अभी मैं करूँगा हमारी एडिटिंग, देन उसके बाद वो क्रॉस लगाना है उस पर, आज के दिन का मैंने क्रॉस लगाना है। ये फोटो है शरी की, है ना, और अब देखो मैंने ऑर्डर तो ये की थी लेकिन भगवान ने भेजी ये अब मेरी कोई फोटो दिखाएगी, देखियो ये ये तो मेरी बहुत लेटेस्ट फोटो है, ये तो मेरी फिर भी बहुत लेटेस्ट फोटो है। अभी मैं तैयार शहर होऊंगा तो मैं ऐसा ही लगूंगा। अच्छा, और मैं भी तैयार शहर हूं तो मैं वैसे ही लगूंगा। ये इसने ये ऑर्डर किया था और इसको ऐसा ही मिला है। अच्छा और क्या, वो तो मैं तैयार शहर होकर देखो है पूरा करण उजला बन जाता हूँ। मैं भी तैयार हूँ ना तो मैं पूरी कटरीना कैफ। ओ कटरीना कैफ कितनी प्यारी स्माइल है, मतलब इसमें कितने मेरा बर्थडे था। अब नाक में से चूहे निकाल रही। ओ भाई मैंने चूहा नहीं निकाला, मैं वो वाली बात बता दूंगा जो तूने वहाँ पे की थी। अभी भी देखो मुझे पता 100 कमेंट तो यस आ ही जाएगा, 100 कमेंट यस करना है, ठीक है। वो वाली बात बताऊंगा इसकी अगले ब्लॉग में। तो ये तो अपना आज का ब्लॉग, पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलता है अगले ब्लॉग कुछ नवीन खप लेकर। शॉर्ट के चक्कर में क्या क्या हो रहा है, ये पूरी रोड ऐसे है, यहाँ से क्रॉस करके गए हैं और वहाँ जाके मेहनती लड़का। ये देखो इसको मैं खींच रही हूँ अपनी तरफ।